इतने सारे कोऑर्डिनेटर्स लगा चुके हैं, मैं तो कहता हूँ फिर हमें भी लगा दें, हमारे सारे दोस्तों को भी लगा दें, इनको भी लगा दें, आपको भी लगा दें। एक पसमानदा सुबह है, एक इतने क्राइसिस में सुबह है, तो इतने कोऑर्डिनेटर्स को लगा कर मतलब ये क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट लबरैन बलूच वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के साथ। बलूचिस्तान से मुतलिक हॉट टॉपिक्स में से आजकल सारे फहरिस्त कोऑर्डिनेटर्स की अपॉइंटमेंट की भी बात चल रही है, जिनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आइए जानते हैं इससे मुतलिक अवाम के सवालात और वजीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर बाबर यूसुफ जई के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अमार। मोहम्मद अमार, ये बताएंगे आपके बलूचिस्तान में अपॉइंट किए गए कोऑर्डिनेटर्स के हवाले से आपके दिमाग में कौन से सवालात हैं? मैम, मेरा तो सवाल ये है कि कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट क्यों किया जाता है और इनका रोल क्या है? हम टीम मेंबर हैं सीएम बलूचिस्तान के, हम लोगों के मसले मसाइल के लिए जाते हैं, हम लोगों से पूछते हैं और वो रिपोर्ट्स लाकर हम सीएम साहब को पेश करते हैं। अगर मिनिस्टर्स ऑलरेडी है बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में, फिर कोऑर्डिनेटर्स रखने की क्या फ़ायदा? मिनिस्टर जो हैं, देखें, उन वो डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करते हैं, वो डिपार्टमेंट को लेकर चलते हैं। मिनिस्टर्स की अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एज ए टीम मेंबर ऑफ सीएम बलूचिस्तान, हम वहाँ से जाकर उस डिपार्टमेंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे हम कलेक्ट करते हैं और सीएम साहब को हम रिपोर्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटर किस बेस पे लगते हैं? और मतलब अगर ये इस तरह की बात है तो हमें भी कोऑर्डिनेटर लगाते हैं? जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिनकी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, हम एक प्रोसेस से गुजर कर आए हैं। हमारी इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए कहीं ना कहीं पे कुछ खिदमात हैं, तो उन खिदमात के सिले में हमें टीम मेंबर बनाया गया है सीएम बलूचिस्तान का। तो इतने कोऑर्डिनेटर्स लगाने का आवाम को क्या फ़ायदा है? सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ही पब्लिक को है कि हम पब्लिक में पहुँच जाते हैं, पब्लिक तक हमारी एक्सेस है, पब्लिक से हम सुनते हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं वो हम सीएम साहब के सामने लाते हैं और उन्हें हम सॉल्व करते हैं। रिसेंटली आपको पता है कि वो एक वीट क्राइसिस चल रहा है। कल मैं देख रहा था कि रेलवे स्टेशन के सामने लोगों ने रोड बंद किया हुआ था, तो मैंने मीर साहब को रिक्वेस्ट की, हम लोग गए, कोई 400 से 500 मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद थे, हमने उनसे बात की, देन आकर हमने सीएम साहब को कन्वे किया और आज हमने उन्हें वहाँ पर वीट आटा प्रोवाइड किया। तो जो है इमारात क्या क्या मिल रही है, इनको जो है फ़ायदे इसके क्या है, इनको गाड़ियाँ दे रहे हैं, इनको क्या उसकी सहूलियत मिल रही है, हम लोग को इस बारे में बताएं। फ़ायदा तो हमें कोई नहीं मिल रहा, सच एज़ कोई बेनिफिट नहीं है, हम हॉनरी बेसिस पर अपॉइंट हुए हैं। अपने आप को तो आवाम का मुखलिस और खिदमतगार कहते हैं ना, लेकिन ये हम लोगों की पहुंच से दूर है, हम उनसे किस तरह मिलें? देखिए जी, हमें एक्सेस करना बड़ा इजी है, हम अवामी लोग हैं, हम अवाम में होते हैं, हम अवाम के मसले मसाइल के लिए उनके पास खुद जाते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं और आप जैसे दोस्त हैं, आप जैसे लोग हैं जो हमें प्रमोट करते हैं, जो हमें बताते हैं कि लोगों के मसले मसाइल क्या हैं। ये जो कोऑर्डिनेटर ज़्यादा लगा रहे हैं, मुझे इसकी एक अच्छी चीज़, एक इसकी अच्छी बात मुझे से बता दें आप लोग। इसमें सबसे अच्छी बात वो ये है कि फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान एक ट्राइबल प्रोवेंस है, एक रिवायती सूबा है, दो फीमेल कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया गया है और उनको अपॉइंट करने का मकसद ही यही था कि ख्वातीन के जो इश्यूज हैं वो उनके जरिए हाई अथॉरिटी तक कन्वे किए जाए। एक पसमानदा सूबा है, एक इतने क्राइसिस में सूबा है, तो इतने कोऑर्डिनेटर्स को लगाकर मतलब ये क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? इतने कोऑर्डिनेटर्स जो अपॉइंट किए गए हैं, इनको अपॉइंट करने का मकसद यही है कि ये आपकी मदद कर सकें, आपके काम आ सकें, आप लोगों के मसले मसाइल हल कर सकें। बजट से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमें बजट से कोई शेयर मिलता है, ना हमें कोई हिस्सा मिलता है, ना कोई हमें फंड्स मिलते हैं, हम हॉनरी बेसिस पर हैं और हम मुफ्त में आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जवाबात आवाम को मुतमईन करेंगी, वरना सवाल करना आपका हक है और उन्हें आगे पहुँचाना हमारा काम। देखते रहिए वॉइस ऑफ बलूचिस्तान। अल्लाह हाफिज़।